तो गाइस आ चुके अपने ठिए पे उन्हें छोड़ के, और समय हो चुका है 4:30 ही बज गए ऑलमोस्ट। अब जाते हैं सोते हैं 1-2 घंटा और फिर निकलेंगे काम पे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, समय हुआ है 12 बज गए और हमारी मॉर्निंग हो गई थी 10:30 बजे। उठ गए थे 10:30 बजे, हम काम पे निकल गए थे 10:30 बजे। निकलते ही मेरे को एक राइड आई, अफसोस मत मनाओ यार, नॉर्मल राइड आई, इंटरसिटी है, आउट स्टेशन नहीं है। ये राइड थी सेक्टर 62 की, 34 किलोमीटर की राइड थी, जिसका मेरे को दिया ₹542 और ₹120 टोल। तो पहली राइड हमारी अच्छी मिल गई हमें। अब देख सकते हैं टोटल ₹662 का काम हो गया पहली राइड में ही, और 500 का हमारा ऑफलाइन हो रखा है। तो ठीक है, शुरुआत अच्छी हुई। आज सुबह से मैं देख रहा था तो रेट जो है ना अच्छा दे रहा था, ओला उबर दोनों रेट अच्छे दिखा रहे थे। तो बाकी यही है यार, अच्छे ही हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि हालत पतली चल रही है ड्राइवर भाइयों की। आज देखेंगे दिन भर में कितने का काम होगा भैया, कंप्लीट करते ट्रिप को 5 स्टार के साथ रेटिंग कर दिया मैंने। अब खोलता हूँ उबर में, क्यों नोएडा में आ चुका हूँ ऑफिस वाले इलाके में 62, और यहाँ से ड्यूटी मिलने का हो जाता थोड़ा सा मुश्किल। तो फटाफट पहले तीनों में डिवाइस ऑन करके और देखते हैं कहाँ से मिलती है भैया बुकिंग, क्योंकि इधर जो है ना फरीदाबाद 32-33 किलोमीटर की पकड़ लेते हैं यार, फरीदाबाद ही चलते हैं, क्या करें। थोड़ा इसमें कम फेर दिखा रहा है, लेकिन जो भी है लेके चलते हैं फटाफट। रोड पे ही पिकअप है, कहीं अंदर बाहर भी नहीं जाना, चलते हैं फिर बता दिए। तो गाइड अभी आ चुका हूँ मैं फरीदाबाद। राइड थी 33 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया ₹308। इसमें थोड़ा फेर कम दिया है और इसको छोड़ने में लगा 1 घंटा 20 मिनट और ₹130 टोल दिया, जबकि ₹100 तो MCD टोल लगता है और ₹35 रोड टोल लगता है, लेकिन ओला ₹32 टोल देता है। ये कहाँ की इंसाफी है भाई, ये ना इंसाफी है, ये गलत है। जब सबको दिख रहा है कि भाई ₹35 टोल हमारा कट रहा है, लेकिन हमें मिल रहा है ₹32, ये तो गलत है ना भाई। लेकिन चलो जो भी है, यहाँ से कर दिया डिवाइस ऑन, हमें UP का टोल भी मिल गया और दिल्ली का MCD टोल भी मिल गया, ₹220 तो हमारे टोल के हो गए इकट्ठे। क्योंकि आजकल है ना सिर्फ टोल टाल से ही कुछ गुजारा हो पा रहा है, टोल टाल से अपना कुछ हो पा रहा है ना, चलो थोड़ा बहुत टोल वोल हो जाए ये चीज। बाकी देखते हैं भैया यहाँ से कहाँ की मिलती है, मिल तो रही है बहुत, लेकिन इस टाइम फेर कम कर दिया है। ये देखो लोकल 100-150 रुपए की बज रही है, नहीं उठानी। तो भैया हम बैठे थे फरीदाबाद में, भाई साहब यही मिल गया हमें फरीदाबाद में यार, थे काफी देर से कोई बुकिंग नहीं आ रही थी, तो मैं चलो भाटी साहब से मिल लेते हैं। और भाटी जी क्या हाल है, कैसा चल रहा आपका कारोबार? मेरा कारोबार भाई, कारोबार तो जिसका होगा होगा, मेरा भाटी एंड भाटी इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर छोटे रतन टाटा। अपना तो भाई एक ही काम है, लोगों की हेल्प करना, वो चल रहा है बढ़िया। तो दूसरी बात ये है कि भाई लोगों ने इसको बिजनेस मॉडल बना दिया था, अब वहाँ से हटके लोग बाग सोच रहे कि इसको हेल्प बनाए। और आप बताओ आपने जो बनाया उसका क्या रहा? मैं तो देखो भाई सिर्फ मेरा मतलब तो यही था कि बुकिंग वुकिंग उससे मिले, काम के लिए तो होना चाहिए, काम के लिए होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी काम की। हाँ ये भी एक हेल्प ही लगा, लेकिन लोग बाग है ना अपने साथी दिमाग चलाने लग जाते हैं, 90% बेचारे ड्राइवर सीधे हैं, उन्हें कुछ नहीं आईडिया, उन्हें तो ये सोच, लेकिन जो 10% है ना वे भाई साहब ऐसा साथी पड़ा ना, तो वे खुद का भला उन देते ना दूसरे का बना। अब मेरा को क्या देखो भाई, इतना तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी की किस्त भर सकता हूँ, मैं क्यों सिरदर्दी लूँ इतने बंदों की? अब भाई इतनी सिरदर्दी लेकर मैं खुद 2 दिन काम नहीं कर पा रहा हूँ। पर भाई आपने इतनी बड़ी बात तो सोची कि लोगों के लिए, उनका क्या है जो सोचते भी नहीं है, फिर उनको लोग पसंद करते हैं। उंगली करना जानते बस। तुमने ये तो सोचा कि चलो लोगों के लिए मैं खुद से बुकिंग देता हूँ। और एक चीज और भी है, अगर मैं अपना स्वार्थ देखता ना उसमें, तो मैं
उसे डिलीट नहीं करता, मैं उसे चलाता रहता, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, मैंने देखा वो उसमें कोई दूसरे बंदा बन गया, वो क्या हो रहा है? मैंने उसमें वीडियो बना दी है कि भाई मेरा उसमें कोई मैटर नहीं, मैं मेरे को ठीक से डिलीट करना नहीं आता था। भाई देखो मैं बता देता हूँ, भाई ने जो ग्रुप बनाया था उसमें तुम जो जुड़े थे, ज्वाइन हुए थे, पर जो उसमें 10% लोग थे ना, उन्होंने भाई को इतना इरिटेट करा, इतना परेशान करा कि भाई ना अपना काम कर पाए ना कुछ कर पाए। दूसरी बात आती है कि आप, हमने बनाया किस चीज के लिए था भाई ने ग्रुप, कि आप दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों की मतलब मदद क्या, बुकिंग देंगे, काम बढ़ाएंगे। जो गाड़ियां रो रहे हैं आज कस्टमर की, भाई हमारे पास काम नहीं है, रोते रहते, एक तो पूरे दिन पड़े रहेंगे। भाई ने सोचा बुकिंग दे दूंगा, चलो उसमें से हमारे लाइन में, मैं खुद प्रचार चलाए भाई इंस्टाग्राम पे, आप देखोगे ना कि भाई ने कितनी वो बिल बुक छपाई थी। मैं आज दिखा देता हूँ, मैं तो देखते ही हो गया कि भाई ने इतना काम एकदम से कर कैसे दिया, इतने स्टिकर, वो क्या कहते हैं उसको, विजिटिंग कार्ड दिखाना, देखो ये विजिटिंग कार्ड, ये नंबर डीएक्टिवेट हो चुका है, ये सिस्टम ही डीएक्टिवेट, पर कोई नहीं, ऑनलाइन से जुड़ के तो इनसे बुकिंग तो कर ही सकते हैं, अपना काम तो करते ही रहेंगे, और जो भी आएगा फिर भी देंगे, जो इनके कॉन्टेक्ट में उनको, आप किसी को दूंगा मैं तो उसमें ये कुछ और नंबर दूंगा उस पे जिसको बुकिंग, अब बुकिंग अगर आएगी तो मैं अपना पर्सनल दूंगा, मतलब पर्सनल खुद के लिए करूंगा, दूसरा जाए भाड़ में। अरे भाई तो चलिए देखते हैं फिर यहाँ से कहाँ की बुकिंग मिलती है, बताएंगे भैया। तो गाइस राइड होगी कंप्लीट, वो थी मानेसुरा टोल के पास की राइड थी 37 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 401 रुपया प्लस 40 रुपये टोल जो रास्ते में कटा फरीदाबाद रोड पे। ये देख लो, अब करते हैं यहाँ से डिवाइस ऑन, देखते हैं भैया कहाँ की मिलती है, फिर बताते हैं आपको। तो गाइस घर के पास की बुकिंग मिल गई है, लेकिन उसमें प्राइस थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाउन दिखा रहा था, 10-20 रुपये शायद कम देगा। बाकी मैं घर के लिए चल ही दिया था आज, जल्दी सोचा मैं चल जल्दी चलता हूँ, फिर मैं सोचा मैं चल यार मिल ली है तो ले ही ली, टोल भी मिलेगा प्लस वो भी मिलेगा, अगर 10-20 रुपये कम मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं चलो फटाफट चलते हैं पिकअप करने, तो अब जा रहा हूँ भैया पिकअप करने उनको। तो भाई साहब मैंने उन कस्टमर को छोड़ दिया, कस्टमर की एक कहानी बताऊँ मैं आपको, थोड़ा सा लाइट ऑन कर लेते हैं, कि कस्टमर ने बोला कि भाई क्या हाल चाल चल रहे आपके, मैं कह लगा सर बढ़िया चल रहे हाल चाल, हाँ मैं कह लगा मैं सर हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा डाउन कम, अरे यार तुम ओला वाले हमेशा रोते ही रहते हो, भला 30-40 किलोमीटर के तुम 900 रुपये चार्ज कर रहे हो और क्या कस्टमर की जान ही लोगे। मैं कह लगा सर वैसी बात नहीं है, आप ये बताओ आपने तो 900 रुपये दिए है, लेकिन आज हम आपको अपनी हिस्ट्री बताते हैं कैसे, हमें पता है कि आपने 900 दिए है, आपको लग रहा है यार इतने से किलोमीटर के 900 रुपये चार्ज कर लिए तो ज़्यादा है, लेकिन हमने फिर अपनी इसकी हिस्ट्री दिखाई, भाई 38-39 किलोमीटर गाड़ी चली, मेरे को दिया 358 रुपये, चलो एक स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा, 358 रुपये दिए और 100 रुपये का MCD टोल, और जो ओला का कमीशन बैठा ना, अब ये बताओ ओला कितना परसेंट कमीशन काट रहा है, मेरे को मेरी अर्निंग है 358 रुपये और ओला ने अपना कमीशन काटा 381 रुपये प्लस थर्ड पार्टी करके कुछ ये है इनका कमीशन 161 रुपये, मतलब इनका टोटल कमीशन हुआ 442 रुपये और मेरी अर्निंग जो मैंने टोल दिया 100 रुपये का वो जोड़ के 458 रुपये। अगर ये देखो 50% से ज़्यादा है वो कस्टमर यहाँ वहाँ बैठ कर वो ओला घर बैठ कर कमा रहा है और हम क्या ले रहे हैं। तो भैया यही था वीडियो की, करते हैं समाप्त, आज हमारा ओला में काम हुआ है 1209 रुपये का, हमारा ओला में काम हुआ है, उबर में हमारा 400 रुपये का काम हुआ है, 1209 प्लस 400 1600 रुपये, सुबह भी एक अपनी एयरपोर्ट की राइड थी 500 रुपये की, ओप्लान जो 3 बजे थी, तो आज का हमारा काम हुआ 2100 रुपये का, इसमें अगर टोल जोड़ा जाए 320 रुपये का इसमें हमें टोल और टैक्स हमें मिला है, जो कि हम वो पहले पे कर चुके हैं, अगर उसको भी जोड़ा जाए तो 2400 रुपये की आज हमारी अर्निंग हुई, और घंटे एक्चुअली इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते क्योंकि सुबह 3 बजे डिवाइस ऑन करा था, फिर एयरपोर्ट वाली पर्सनल राइड छोड़ कर घर चले गए थे, फिर 10-11 बजे आए, तो इसमें यही आज का, एक सिलेंडर CNG लगी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड बाय बाय।